नमस्कार दोस्तों, हम में से अधिकतर लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। हम सभी बड़ा बनना चाहते हैं। अभी मैं ये किताब पढ़ रहा था, डेविड जे श्वार्ट्ज़ की, बड़ी सोच का बड़ा जादू। हम अधिकतर बड़ा बनना चाहते हैं, बड़े बड़े रोल मॉडल रखते हैं, सभी आप नाम जानते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि हम ऐसी पोजीशन को अचीव नहीं कर पाते? उतनी सफलता, उतना यश और उतने पैसे हम हासिल नहीं कर पाते। कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि जो हमारे रोल मॉडल हैं वो इतने ऊंचे हैं कि हमें उस ऊंचाई से भी डर लगता है? तो हमारे परिवार का एक छोटा सा प्रयास है कि हम हमारे बीच में से ही कुछ ऐसे लोगों को सामने लाएं, उनसे बातचीत करें, उनसे प्रेरणा लें, जो एक नई सोच लेकर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और लगातार चलते हुए एक मुकाम हासिल किया, अपने सपनों को पूरा किया। तो ये सीरीज़ आपके लिए है दोस्तों, एक्स्ट्रा अमंग ऑर्डिनरी। हम सब जो आम लोग हैं, इनके बीच में से जो निकल के आए हैं, अपनी सोच को लाया है और न केवल सोचा है बल्कि उसे कार्य रूप में परिणित भी किया है। तो आइए एंजॉय करें इस सीरीज को। तो आज एक्स्ट्रा अमंग ऑर्डिनरी की पहली कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं उड़ीसा के एक छोटे से शहर अनुगुल के निवासी श्री महेंद्र अग्रवाल जी से। हम सभी के मन में धारणा है कि यदि बड़ा बनना है, अधिक पैसे कमाने हैं, तो हमें अपनी एक उच्च शिक्षा हासिल करनी होगी। हम सभी के मन में ये धारणा है कि हम अपने लोगों के बीच में ही बहुत बड़ा कोई काम कर सकते हैं। हमारे मन में ये धारणा है कि हम केवल पैसे बचाकर और दूसरों से पैसे किसी भी तरह से निकलवा कर अमीर बन सकते हैं। इन सभी धारणाओं को तोड़ने वाले श्री महेंद्र अग्रवाल जी लगभग 30 वर्ष पूर्व राजस्थान से उड़ीसा आए। यहाँ पर भाषा की सीमा के बाद भी व्यवसाय प्रारंभ किया और 30 वर्ष बाद आज उड़ीसा की सबसे बड़ी जो 10 टाइल्स होती हैं, टाइल्स शोरूम्स होते हैं, उनमें उनकी फॉर्म श्री गणेश मार्बल का स्थान है। तो आइए हम बात करते हैं श्री महेंद्र अग्रवाल जी से। आज हमारे साथ महेंद्र अग्रवाल जी उपस्थित हैं और आज आप अपना जन्मदिन भी मना रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं महेंद्र जी। थैंक यू सर। आपके बारे में हमने काफी प्रेरणा ली आपसे और काफी सुना है, तो आपकी जीवन यात्रा के बारे में हम कुछ जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से आप राजस्थान से उड़ीसा के अलग अलग जगहों पे होते हुए अभी अनुगुल में आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी जीवन यात्रा में एक क्षण आता है जब आपके मन में एक विचार कौनता है, एक चिंगारी आती है, एक स्पार्क आता है, तो उस स्पार्क के बारे में हम सभी जानना चाह रहे हैं। जी निखिल जी, 1991 हम लोग राजस्थान से उड़ीसा में आए, जबकि राजस्थान में हमारा बहुत अच्छा बिजनेस था और अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, तो कुछ फैमिली इश्यू के कारण हमको इधर उड़ीसा आना पड़ा। तो ये समझे कि हम लोग सब कुछ छोड़ के वहां से 00 के साथ उड़ीसा आए थे। उड़ीसा में संबलपुर में डिस्ट्रिक्ट में गुड़बगा जगह है, वहां पर चूड़ा मिल था हमारा पार्टनरशिप में,
ये 91 में फिर वो पार्टनरशिप में कुछ इश्यू हुआ तो उसको भी 91 में छोड़ना पड़ा हमको। और 91 में हम लोग इधर अनुगुल आए उड़ीसा में, जो था पहले अनुगुल, और ये कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, मेरे को सर्विस भी करनी पड़ी और काफी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही थी। बाद 92 या 93 में हमने एक छोटा सा मार्बल का दुकान डाला था, मार्बल्स एंड टाइल्स का। उस टाइम तो मार्बल्स टाइल्स वगैरह नहीं थे इतने, तो धीरे धीरे उसको मन में थी, बिजनेस देखा हुआ था पहले पापा का, राजस्थान में काफी लंबा चौड़ा बिजनेस था, फिर उसे चालू किया था। तो साधन भी नहीं थे कि पैसे भी नहीं थे, तो उसी को धीरे धीरे बढ़ाते हुए फिर आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं महेंद्र कि आज जी, अपना। जी जी महेंद्र जी, किसी नवयुवक के लिए अपनी एक बंधी बधाई आय के स्रोत को, यानी नौकरी से मिलने वाली सैलरी को छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये जी एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आपकी जिंदगी में रहा होगा। ये डिसीजन आपने कैसे लिया कि एक बंधी बधाई इनकम को छोड़ दूं मैं और एक रिस्क में लूं? तो ये क्या बात थी, किस जी तरह से आपने डिसाइड किया, ये हम सभी यंग लोग जानना चाह रहे हैं। जी ये एक्चुअल में सर मेरा जो बिजनेस बैकग्राउंड था वो मेरे इसमें काम में आया। जो राजस्थान में मैं पापा के साथ बैठता था दुकान में, तो पे मजबूरी में समझ लीजिए खराब था, तो बिजनेस मोटिव तो था ही कि बिजनेस करना अपने को, चाहे 00 से करें, तो बिजनेस फैमिली थी तो समझ धीरे धीरे उसको बढ़ाते गए और वो बढ़ता गया। जब राजस्थान से आप उड़ीसा आए तो भाषा की भी अड़चनें आई होंगी, आप वहां पर भाषा हिंदी और की मारवाड़ी अड़चने, का। तो भाषा की अड़चने तो इतनी जबरदस्त थी सर कि सब्जी लाने के लिए जाते थे तब इशारों में ही बात होती थी, बस जी, इशारों से समझ बताते थे यहाँ क्या क्या रेट है, कुछ समझ में नहीं आता था, इशारों में पूछते थे उसको। तो धीरे धीरे सब बोलते हैं, परिस्थितियां और टाइम वक्त सब कुछ सिखा देता है, आप में सीखने की लालसा होनी चाहिए। जी बहुत सुंदर। कैसे आपने, कैसे व्यवसाय के साथ में, जैसे सब्जी वगैरह खरीदना तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन व्यवसाय के जी साथ में ये जो भाषा का बंधन था वो अगर आप बताएंगे तो हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि आज के समय में नौजवान असल सोचता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, अगर वो किसी ऐसी कंट्री में जाते हैं जहां पे उसको स्पेनिश में सीखने की ऐसी कोई आवश्यकता। बात नहीं है, भाषा का बंधन था क्योंकि यहाँ उड़िया ही चलती थी, लेकिन हिंदी थोड़ी बहुत समझते थे इधर लोकल आदमी भी, और काफी हेल्पफुल भी थे, तो दिक्कत आती थी। ऐसी बात नहीं है कि दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन अगर आप उसको मेंटेन करेंगे और उसको प्रॉब्लम नहीं समझ के उसमें से कुछ सीखेंगे, वो रास्ते खुलते चले जाएंगे आपके लिए। जी, तो महेंद्र जी, एक करीब 28 साल पहले वाला महेंद्र है और एक आज वाला महेंद्र है, तो इन जी दोनों जी के बीच में जो आनंद है, जो मजा है, सुख, तो सबसे पहला कोई अगर इंसिडेंस है आपके साथ में, जब आपको अनुभव हुआ कि बस अब आपका जीवन आगे ही बढ़ता चला जा रहा है और आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हैं, क्या कोई ऐसी जी जी घटना, कोई ऐसा विचार कभी आपके समय सामने आया कि आपने निश्चित कर लिया कि बस अब ऐसी तो मुझे घटना आगे सर ही मेरे बढ़ना है? को राइट, जी ऐसी घटना की फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी सर, तो मैंने काफी कुछ इधर उधर हाथ पैर मारे अपने रिश्तेदारों से या किसी से भी हेल्प के लिए कि मेरा कुछ हेल्प कीजिए, तो मैं कुछ टाइम के लिए, तो मेरे को कहीं से भी हेल्प नहीं मिली, जबकि सब सक्षम थे। ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी पे इल्जाम लगाना नहीं चाहता हूँ इसमें, या किसी को दोष भी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन बहाना मिली ये कि अपने को अपने दम पे ही अपने कुछ करके दिखाना है।
तो एक बार मैं परचेजिंग के लिए पहले रायपुर भी जाता था, मार्केटिंग करते थे, तो हिंदुस्तान टाइल्स बोल के एक है वहां पे रायपुर में अपना, ये जो मार्बल मार्केट है अपना रिंग रोड पे। हेलो, जी, उधर भी एक बार मैं पैसे परचेजिंग के लिए गया हुआ था, तो बात हो रही थी उनसे, तो ऐसे टाइल्स का कुछ परचेज कर रहा था, तो कुछ मैं बोला थोड़ा कम कर दीजिए, इतना पैसा नहीं होगा। तो बोला आप लीजिए महेंद्र जी, आपको बहुत आगे जाना है। बोला मैं देख रहा हूँ। तो मेरे को भी लगा कि ऐसी बात नहीं है कि अपने भी जीवन में कुछ कर सकते हैं, तो उस बात से भी मेरे को काफी प्रेरणा मिली। जी निखिल जी, भविष्य में जिस महेंद्र अग्रवाल को आप देख रहे हैं, उसे आपने क्या चुनौतियां दी हुई हैं, उसे क्या काम दिए हुए हैं, और उसके लिए क्या आपने योजना तैयार की हुई है? योजना तो कुछ तैयार की भी नहीं है, लेकिन मेरा तो एक ही सिद्धांत है निखिल जी, कि समय के साथ बदलना है अपने को। समय के साथ नहीं बदलेंगे, क्योंकि समय तो रुकता नहीं है, समय चलता रहता है। समय के साथ नहीं बदलेंगे तो समय आगे निकल जाएगा, अपना पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए समय के साथ जो चेंज अपने को करना चाहिए, वो मैं आज से नहीं, मैं पिछले 28 ईयर्स से करता आ रहा हूँ, करता रहता हूँ चेंजिंग। क्या उसका रिजल्ट भी फिर मेरे को मिलता है सामने में। तो मेरा यही कहना है कि समय के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है। आज अपने 2020 में अगर 2010 का अगर कोई भी सोचते हैं, तो अभी नहीं चलने वाला है वो। अपने 2020 नहीं, 2025 के हिसाब से अभी अपने जी तो इन जर्नी में कुछ दो तीन बातें जो आपने सबसे महत्वपूर्ण सीखी, जो हमारे काम आ सकती हैं, जी ऐसी दो तीन बातें जो सबसे महत्वपूर्ण लगी आपको कि इन्हें तो जीवन में, व्यवसाय में, परिवार में लागू करना चाहिए जिससे हम सफल हो सकते हैं? बिजनेस का देखिए फंडा, एक तो आपको समय के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है, ये मैं सीखा हूं, और इससे मेरे को बहुत बेनिफिट भी मिला है। अगर मैं चेंज नहीं कर पाता अपने को, या अपनी शॉप को चेंज नहीं करता, मॉडिफिकेशन नहीं करता, ये थोड़ा बहुत क्या रिस्क लेना पड़ेगा आपको। आप सोचते हैं यार ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वो क्या अपनी एक सोच है। लेकिन अब जब आपको कुछ करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट भी अपने को मिलता है सामने में। तो फर्स्ट चीज है कि अपने को समय के साथ चेंज होना जरूरी है। जी महेंद्र जी, हम और सभी की संबंध जिंदगी में अगर में, मैं कहना चाहूंगा तो हेलो जी, जी बोलिए निखिल जी, आवाज कट रहा था, बोलिए। हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। नहीं, मेरा एक पॉइंट कंप्लीट हो गया, आप पूछ सकते हैं। हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है या कोई इंस्पिरेशन होता है जो हमें एक बार प्रेरणा देता है, लगातार प्रेरणा देता है। तो क्या ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे और उनकी सीखों को कुछ बताना चाहेंगे? ऐसे रोल मॉडल तो मैं माइक्रोसॉफ्ट के जो अपने ओनर बिल गेट्स जी है, हेलो, जी, उनको मैं एक बार पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा था कि कुछ दो तीन बातें लिखी हुई थी, कि जैसे आप एक दिन का सुख चाहते हैं तो आप कुछ बाहर घूम के आ जाओ, और आप दो तीन दिन के लिए अच्छा लगना चाहते हैं तो आप थोड़ा और 4-5 दिन के लिए बाहर चले जाओ, और भी थोड़ा शांति चाहते हैं तो महीने भर के लिए बाहर चले जाओ। लेकिन आप, उन्होंने लिखा फिर कि जिंदगी भर अगर आप अच्छा शांति से रहना चाहते हैं, तो अपने काम से प्यार करो। जी, बहुत सुंदर। तो मेरे को बहुत ज्यादा ही मेरे दिल में उतरी वो बात, तो कि नहीं अपने काम से प्यार करेंगे तो तभी जाके आदमी सफल हो पाएगा, और आपको अच्छा भी लगेगा उस चीज में। तो मैं उनको प्रेरणादायक मानता हूँ, उनको, बिल गेट्स को। इतनी यात्रा और इतने लंबे जीवन के पश्चात
क्या अभी भी आपके जीवन में कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप ढूंढ रहे हैं, या कुछ रहस्य बचे हुए हैं जिन्हें जिनकी आपको तलाश है? रास्ते कुछ नहीं है निखिल जी, बस चल रहा है उसमें, वही ऐसा कुछ खास नहीं है इस मामले में, मैंने ज्यादा नहीं सोचा है, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत कुछ दी है, इतना मैंने प्लानिंग किया उसे डबल मेरे को दिया है, तो उससे मैं दे भी रहा है मेरे को, तो मैं चेंज हो रहा हूँ तो दे भी रहा है, तो उसमें ज्यादा और कोई मैंने ऐड नहीं किया उसमें। लेकिन बिजनेस के सफलता के बारे में मैं थोड़ा एक दो पॉइंट आपसे बात करना चाहूंगा। जी, बिल्कुल हेलो, जी, बताएं। कि मैं देखा हूँ निखिल जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक तो आप जिस शॉप में या शोरूम में बैठते हैं, वहां का जो माहौल है ना, मतलब कस्टमर के प्रति, जब कस्टमर आते हैं आपकी दुकान में, तो एकदम फ्रेंडली होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कहीं अजनबी जगह पे आ गया हूँ, जैसे अपने खुद की भी फील करते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं तो अपने को थोड़ा सा एक फीलिंग्स आती है अलग टाइप की, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जैसे यार कहाँ कितनी बड़ी जगह में आए हैं, थोड़ा एक वो जैसे अपने किसी राजा के पास जाते हैं, राजमहल में जाते हैं, तो ये अलग फीलिंग सी आती है। जैसे अपने तो बड़े शोरूम वगैरह में जाने से ऐसे कस्टमर्स को फीलिंग आती है, तो वो माहौल ऐसा फ्रेंडली होना चाहिए कि वहाँ कस्टमर को लगे नहीं यार कि मैं अजनबी जगह पे आया हूँ। ताकि जी, बहुत सुंदर। जैसे उसमें स्माइल है, तो वो एकदम आते ही कस्टमर के प्रति स्माइल साथ की आप ऐसे लगेंगे, उनको ऐसा बिहेव करेंगे कि कब से आप उनको जानते हैं। तो वो चीज मैंने देखा हूँ बिजनेस में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और ये कि चेन सिस्टम है, ये तो सब जानते ही हैं कि एक कस्टमर 10 कस्टमर को ऐड करता है, और एक कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो 50 कस्टमर को काट भी देता है। तो वो जब भी ऐड करेगा, जब आप वो 100% आपसे सेटिस्फाइड होगा। और सेटिस्फाइड कैसे होगा कि आप हमेशा प्रॉफिट को ध्यान में रख के ही काम नहीं करेंगे। प्रॉफिट तो ऐसा नहीं है कि माल बेचते हैं तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट होता है, किसमें कम होता है किसमें ज्यादा होता है। लेकिन जैसे एक एक हमारे बिजनेस में, खासकर मैं बताता हूँ, कस्टमर चॉइस करके चले जाते हैं, फिर हम लोग माल डिलीवरी करते हैं, तो उसमें कस्टमर क्या करते हैं कि यार ये तो अग्रवाल जी मैंने तो चॉइस नहीं किया था, दूसरा आ गया, जबकि उसको समझ में नहीं आता है वो घर जाके, या उनके किसी अलग मेंबर को समझ में नहीं आता है वो चीज, फिर वो या थोड़ा रिव्यू इसको चेंज कर देंगे। तो हम लोग उसमें 1,000 1,500 2,000 जो भी एक्स्ट्रा लगे है, ये आज का इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ, हम लोग उसको चेंज कर भी देते हैं। कस्टमर को नहीं बोलते हैं कि नहीं सर आपने तो यही चॉइस किया था, आपको खर्चा देना पड़ेगा, ऐसे कस्टमर को नहीं बोलते हैं। उसका बेनिफिट क्या मिलता है हमको कि वो हमसे इंस्पायर होके और भी 10 कस्टमर्स को उस चेन में ऐड करता है कि नहीं यार वो बहुत अच्छे हैं, मेटेरियल भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है। तो ये दो तीन चीजें जो है मैं समझता हूँ ये आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है, और इसको आप यूज करना चाहिए हर आदमी को। जैसा जी कि जानकारी मिली और लोगों ने देखा है कि आपका जीवन बहुत सादा है, बहुत सरल रहते हैं, बहुत सादा जी जी रहते हैं, तो ये क्या है कि जो आपको सादा बनाए रखता है और सरल बनाए रखता है? ये सादा सरल में ही सब कुछ है निखिल जी। बिजनेस में आप जितना दिखावा करेंगे ना, उतना ही आप ऊपर से दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर से अपने आप को मैं तो एक चीज मानता हूँ कि ऊपर से दिखावा जो करता है वो अपने आप को अंदर से ठगता है आदमी, अपने आप को अपने आप से छल करता है वो, कि जो अपने अंदर में है वही सामने में आनी चाहिए वो चीज, ताकि वो हर किसी को अच्छी लगे और समझ में आ जाए। अगर आप ऊपर में एक दिखावा करते हैं, अंदर से कुछ है, तो ज्यादा दिन आपका जो छवि है या जो भी आपकी है, तो आप उस जगह पर टिक नहीं पाएंगे। मेरा मेरे मेरा ये सोचना है। जी, बहुत उत्तम विचार है आपका, और आज के हमारे युवा साथियों को यही प्रेरणा लेना चाहिए कि जो सरल है वही सुलभ है, और उसी का बहुत अधिक महत्व है। एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि जी आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? फुर्सत के जो क्षण होते हैं उसमें क्या खाली करना समय तो निखिल पसंद जी से करते मिल हैं? जी ऐसे तो निखिल जी खाली समय मिलता ही नहीं है कभी, बहुत कम मिलता है, फिर भी जब भी मिलता है तो थोड़ा फैमिली के साथ भी बैठ के देना, सब फैमिली को देना चाहता हूँ।
और थोड़ा मेरे को गाने वगैरह का भी और शायरी वगैरह का भी शौक है, तो यूट्यूब वगैरह में थोड़ा मैं सुनता हूँ बैठ के, और वर्ल्ड वाइज भी थोड़ा सा मेरा पॉलिटिकल में भी इंटरेस्ट है, तो न्यूज़ वगैरह भी थोड़ा देखता हूँ मैं, कभी टाइम मिलता है तो मेरे को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस इसी समय चलता है। आज आप न केवल स्वयं की, स्वयं के परिवार की, बल्कि स्वयं के परिवार से जुड़े लोगों की भी किसी न किसी तरह से सहायता कर पाते हैं, ये बात किस तरह से सुकून आपको देती है? इसको आप, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि जी, इस बारे में सर मैं एक जरूर कहना महेंद्र, चाहूंगा। मेरा ये कहना है कि एक महेंद्र अग्रवाल जो 1991 में था, अब आज 2020 में है, तो आज का महेंद्र अग्रवाल न केवल स्वयं एम्पावर है, स्वयं शक्तिशाली है, बल्कि उसको देख के साथ के बाकी लोग प्रेरणा ले रहे हैं और उनको भी आगे बढ़ने में वो मदद कर रहा है। ये कैसा सुकून देती जी है? जी बहुत सुकून देती है निखिल जी, ये समझो कि भगवान जैसे अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं ऊपर से, ऐसा लगता है मेरे को। क्योंकि 91 में जो सिचुएशन मैंने देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टाफ है या मेरे से जो भी रिलेटेड है, एनीवन जो भी मेरे से रिलेटेड है, मेरे रिलेशन से नहीं, एनी वे एनी पर्सन, तो मैं सबके लिए उनको बोला हूँ कि देख, आप कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े तो खाली एक बार आप फोन कीजिएगा मेरे को, मैं आपको रात को 12 बजे लिए रात को 12 बजे भी आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि जितना हेल्प कर कर सकूँ मैं, जो अच्छे आदमी है जिसको जरूरत है, तो मेरे को एक सुकून देती है। क्योंकि मेरे को नहीं मिला तो मेरे को लगता है कि अगर तुम्हारे में कुछ क्षमता है, काबिलियत है, तो कुछ करना चाहिए, तो मेरे को अच्छा लगता है, उस चीज में बहुत बढ़िया लगता है। बहुत सुंदर, आपसे इतनी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना अमूल्य समय दिया। अंत में अगर एक व्यक्ति आज सोचे कि उसे महेंद्र अग्रवाल के समान बिजनेस खड़ा करना है, तो उसको क्या जी जी करना चाहिए आपकी नजरिए से? युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे बिजनेस के लिए, परिवार के लिए और वातावरण के लिए? युवाओं को सर, या कोई भी बिजनेस करना चाहता है, तो मैं ये ही संदेश देना चाहता हूं कि समय के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर समय के साथ चेंज नहीं होगे तो समय आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। तो एडवांस में चेंज होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि अभी अपने 2020 चला है, 2020 नहीं, आप 2025 का सोचिए, ये मैंने अभी पहले भी बोला आपके इंटरव्यू में। और सरल होना बहुत जरूरी है, दिखाओ छोड़िए, जो अंदर में है वही सामने में दिखना चाहिए। और आपका कमिटमेंट, आपका जो सबसे, उस पर भी मैं बहुत बड़ा जोर देना चाहूंगा कि आपका कमिटमेंट, चाहे किसी से भी, कस्टमर से हो, कंपनी से हो, तो आपका कमिटमेंट पे जो कमिटमेंट करते हो फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ, तो कंपनी को बोल दिया कि हाँ पेमेंट करवा दूंगा, उसको फिर 3 दिन से फोन ही नहीं रिसीव कर रहे हैं उसका। आप उसका, अगर आपके पास 3 दिन के अंदर नहीं पैसा सुविधा होता है, तो आप उससे बात कीजिए, उसका फोन रिसीव कीजिए। तो मोटा मोटी बोलना यही है कि समय के साथ चलना जरूरी है, कमिटमेंट पे बना रहना जरूरी है, और जो अंदर है वही बाहर दिखना चाहिए। धन्यवाद महेंद्र जी, जी आपने अपना, आपके जी महत्वपूर्ण दिन में इतना समय हमें दिया और वो भी सिर्फ एक विनती पर, तो हम आपके लिए, आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और निश्चित तौर पे आपके इस, हमारी चर्चा से हमारे युवा साथी जरूर कुछ प्रेरणा लेंगे, कुछ सीखेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।